महिषासुर का मामला भी लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले में राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस, जेडीयू और टीएमसी ने स्मृति ईरानी से माफी की मांग की है। कांग्रेस ने ये पूछा है कि आखिर स्मृति ईरानी ने ये आपत्तिजनक पर्चा सदन में क्यों पढ़ा। कांग्रेस का तर्क ये है कि स्मृति ईरानी ने माँ दुर्गा का अपमान किया है, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि वो खुद माँ दुर्गा की भक्त हैं। इसके अलावा सभापति ने लेकिन इस बात पर ये कहा है कि जो भी टिप्पणी हुई है, जो भी आपत्तिजनक बातें सदन में पढ़ी गई हैं, वो सदन के रिकॉर्ड से हटा दी जाएंगी। documents from the university itself, which has been proclaimed as a temple of learning and internationally acclaimed. These are not documents of the government. I read it because I was asked to explain what is the proof. Okay. I would also here like to say, I myself am a practicing Hindu. I myself am a Durga worshipper. I said it with a lot of pain. That what is the free speech that certain political entities are giving respectability to? कि बहुत सारे religious जो हमारे गुरु उनके खिलाफ तो एक कंपेन होती है दुनिया भर में, अलग अलग सोच के लोग हैं, लेकिन हम उनको उसी जबान में the same language we never use, neither in the press nor in the media, print or electronic, and least on the floor of the house. इसलिए इसको प्रोसीडिंग से निकाल देना चाहिए और उससे पहले माफी मांगनी चाहिए। मंत्री महोदय को अनकंडीशनल एपोलॉजी करनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगती है तो सदन की कार्यवाही रुक जाएगी। नो, अपोलॉजी किस लिए? इसलिए कि हमने कह दिया कि राहुल गांधी को राजद्रोहियों के हमने हिस्सेदारी भागीदारी नहीं करने के लिए हमने कह दिया कि जो कुछ वहां हो रहा था वो देश के सम्मान और स्वाभिमान को चुनौती थी। हमने ये कह दिया कि हम देश के दौरान आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं, पहली अपॉलॉजी आप जो करें वो पुण्य और हम जो करें वो ये नहीं चलेगा।